सच्चाई ये बन चुकी थी कि इन्फेक्शन के कुछ घंटों बाद सारे लोग उसमें शामिल होते चले गए। शील्ड हेली कैरियर पर उसके खिलाफ प्लान बन रहे थे। इस ग्राउंड के नरसंहार से मीलों ऊपर शील्ड हेली कैरियर पर निक फ्यूरी मिलिट्री स्ट्रेटजीज अपना रहे थे ये पता लगाने के लिए कि कितना नुकसान हो चुका है। बाकी दुनियाओं की तरह यहाँ की हालत भी कुछ वैसी ही थी। एक बहुत ही भयानक सिचुएशन अब बदल चुकी थी, पूरी दुनिया तबाह करने वाली मुसीबत, और वो सारे मिलकर एक ही पर्सन को ट्रेस कर रहे थे जिसका नाम था वांडा मैक्सिमा, जिसका कोड नेम था स्कारलेट विच। बाकी सारे डायमेंशंस की तरह यहाँ पर भी वांडा के पास एक डिफेंस था, उसका भाई क्विक सिल्वर। लेकिन वांडा अब वांडा नहीं रह गई थी, हालात चौंकाने वाले स्पीड के साथ बिगड़ रहे थे। इससे पहले कि शील्ड इसके बारे में कुछ कर पाते, ये महामारी फैल रही थी तेजी से और तेजी से, और ये इतनी तेजी से फैल रही थी कि वो समुद्र पार कर चुकी थी, वो बॉर्डर्स पार कर चुकी थी। इस महामारी को ब्रिटेन पहुंचने में देर नहीं लगी, ना ही रशिया, ना ही जापान और ना ही सेवेज लैंड लेटवेरिया, जहाँ डूम ने ऐश को पकड़ रखा था और वो कह रहा था, मिस मैक्सिमा बताओ अपने साथियों को कि मैं यहाँ का सम्राट हूँ, और अगर तुम्हारे इस दोस्त ने मुझे टिन मैन या फिर मिस्टर रोबोट कहने की गलती की तो मैं इसका सिर उसके धड़ से अलग कर दूंगा। और इसी के साथ शुरू होता है आज का एपिसोड, द बुक ऑफ डूम। स्वागत है दोस्तों हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल ज़ॉम्बीज वर्सेस आर्मी ऑफ डार्कनेस का एपिसोड 4, जिसका नाम है द बुक ऑफ डूम। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट आपके लिए लाते रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डूम ऐश को छोड़ते हुए कहता है, देखते हैं तुम कितने सम्मान से विक्टर वॉन डूम को बुलाते हो। तब ऐश कहता है, ठीक है तो सुनो, जय हो महाराज, तुम जो भी हो। तब डूम कहता है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। तब डैजलर मैक्सिमा को कहती है, मुझे ऐश को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो कोई स्टूपिड हरकत ना करे जिससे हमें फाइट करनी पड़े डूम के साथ। डूम आगे बताता है, मिस मैक्सिमा और डैजलर के लिए इस महल के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं का भी कूड़ा यहाँ पर ले आओ। तब वांडा आगे कहती है, नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं, ये आदमी एस्टे जे विलियम्स, इसके पास इन्फॉर्मेशन है इस जॉम्बी महामारी के बारे में, और ये कहता है ये इसे रोक सकता है। तब डूम कहता है, अच्छा तो इसलिए तुम यहाँ पर आए ताकि तुम असिस्टेंस मांग सको डूम की। तब ऐश आगे बताता है, हम सिर्फ तुम्हारे लाइब्रेरी में जाएंगे, तुम्हारे कलेक्शन से वो नेक्रोनॉमिकन उठाएंगे, 5 मिनट उसके साथ बिताएंगे और ये सब मैं सॉल्व कर दूंगा। तब डूम उसे बताता है कि इस महल के बाहर जो भी हो रहा है उसका नेक्रोनॉमिकन से कुछ लेना देना नहीं है, इसका ओरिजिन एक्स्ट्रा टेरिस्टियल है ना कि सुपर नेचुरल, और ये एक पैन डायमेंशनल वायरस है, एक कॉस्मिक कॉन्टिजन, इसका जवाब साइंस से मिलेगा ना कि मैजिक से, ये उसी से खत्म हो सकता है। तब डैजलर कहती है, हमें सिर्फ एक बार नेक्रोनॉमिकन देखने तो दो, हम सिर्फ एक बार ट्राई करेंगे। तब डूम कहता है, नहीं, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो और पहले ही तुम मेरा समय बर्बाद कर चुके हो। और ऐश की तरफ देखकर अपने रोबोट सिपाहियों से कहता है, इसे ले जाकर होल्डिंग सेल में डाल दो बाकियों के साथ। तब ऐश उन्हें मारते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता। तब ऐश डूम बोट्स को पीटते हुए कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम किससे उलझ रहे हो, मैंने अकेले आर्मी ऑफ डेडेट्स को मार गिराया है, और तुम्हें लगता है कि ये छोटे मोटे खिलौने मुझे रोक पाएंगे, तुम सारे लकी हो जो उन्होंने मेरी बूमस्टिक ले ली, वरना मैं तुम्हें कब की आसमान की सैर करा देता। तब डूम ये सब देखकर ऐसे कहता है, मैं सरप्राइज हूँ डैजलर और स्कारलेट विच ने तुम्हें वार्न नहीं किया डूम के गुस्से के बारे में, अगर तुमने ये हरकत फिर से की तो तुम्हें डूम के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और अपने एक आदमी से पूछता है कि बाहर क्या हो रहा है। तब हम देखते हैं गोलाइत को, और वो आदमी डूम से कहता है, हमने डूम बॉट्स और डूम जेट्स के जरिए लगभग सारे अटैकर्स को मार गिराया है, हमारी फोर्स फील्ड ने काफ़ी देर तक इसको रोके रखा, लेकिन इस जायंट के अटैक्स ढीले नहीं पड़ रहे। तब डूम कहता है, अच्छा है, इसने हमें मौका दे दिया कि हम सबको एग्जाम्पल दे कि जो भी बिना डूम के वेलकम के लेटवेरिया की ज़मीन पर कदम रखता है उसका अंत क्या होता है।
तब कुछ मिसाइल्स आकर गोलियाथ को मार देती है और यह सब अपने स्क्रीन पर देखकर डूम अपने डूम बॉट से कहता है, और अब बारी है मिस्टर विलियम्स को मेरे साइड से निकालने की, और इनके साथ अब कोई नरमी मत दिखाना। उस पे स्कारलेट विच कहती है, डूम इस पर दया दिखाओ, यही इस सब को रोक सकता है, यही इस सब को रोकने की चाबी है। तब डूम कहता है, नहीं, ये किसी चीज़ की चाबी नहीं है और मैंने अभी भी इस पर दया दिखाई है, जैसा कि मैंने कहा कि इसे बाकियों के साथ डालने को। और स्क्रीन पर लोग दिखाकर कहता है, ये रहे बाकी सर्वाइवर्स जिसे मैंने ढूंढ निकाला इससे पहले कि लेटवेरिया पर वो इन्फेक्शन पहुंचता, और मैंने इन सबको इकट्ठा किया मेरे कैसल में जिसकी दीवारें मेरे जादू और साइंस की वजह से सिक्योर है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। और डूम आगे बताता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी सुपर विलन के गलत लेबल के साथ बदनामी से कर बिताई है, लेकिन फैक्ट ये है कि मैं डूम एक अल्टीमेट हीरो है, ह्यूमैनिटी का रक्षक और शायद एक ग्रेट हीरो भी। तब स्कारलेट विच कहती है, विक्टर लेकिन बच्चे कहाँ है और बूढ़े? मुझे तो सिर्फ वही लोग दिख रहे हैं जो अच्छी सेहत वाले हैं, और वो सभी लग रहे हैं। तब डूम आगे कहता है, हाँ ब्रीडिंग एज वाले तुम सही हो, ह्यूमैनिटी को स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने जब लोगों को बचाया तब कुछ चुनिंदा लोगों को बचाया। तब डैजलर कहती है, कुछ हीरो? तब डूम कहता है, मिस ब्लेयर तुम हीरो से बात करना चाहती हो? आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो Thank you.